जपानचे माजी पंतप्रधान दिवंगत शिंजो ॲबे यांच्या पार्थिवावर आज टोकियो इथे शासकीय अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्काराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. त्यांनी शिंजो ॲबे यांना श्रद्धांजली वाहिली. अंत्यसंस्काराप्रसंगी विविध देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. मोदी यांनी जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांची भेट घेऊन आबे यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. ॲबे यांच्यासोबत झालेल्या प्रदीर्घ संवादाला पंतप्रधान मोदी यांनी उजाळा दिला. भारत जपान भागीदारी बळकट करण्यासाठी तसंच मुक्त खुल्या आणि सर्वसमावेशक हिंद प्रशांत क्षेत्राच्या संकल्पनेत ॲबे यांनी महत्वपूर्ण योगदान दिलं होतं असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. जपानच्या नव्या नेतृत्वाखाली भारत जपान संबंध नव्या उंचीवर पोहोचतील असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. जपान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब अबे शांत से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी. अबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई भारत और जापान की दोस्ती ने. और इन सब के लिए आज भारत की जनता अबे शान को बहुत याद करती है. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानचा दौरा आटोपून मायदेशी रवाना होण्यासाठी निघाले आहेत.